Assalamualaikum guys, कैसे आप लोग? I hope you guys doing well. Good guys, आज जिसका मैं रिव्यू लेके आया हूँ वो है Osmo Pocket. So guys, ये एक ऐसा कैमरा है जो भी 2018 में लॉन्च हुआ था तो ये काफ़ी ट्रेंडिंग में था. लोग परेशान हो गए थे कि यार DJI ने क्या चीज़ निकाल दी है. और अब हम डिस्कस करेंगे तो इसके फंक्शंस क्या है. एज ए यूज़र जैसे मैंने इसको एक साल से यूज़ कर रहा हूँ तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे इसके बारे में काफ़ी पसंद है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई. तो गाइस चलिए शुरू करते हैं. तो पहले आते हैं इसके एडवांटेजेस की तरफ, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पसंद आई हैं. तो गाइस पहली चीज़ है इसका साइज. जस्ट हैव अ लुक, इतना छोटा सा साइज़ है कि यार आपने पकड़ा हो तो एक काफ़ी प्रीमियम फील आती है. और इसके अलावा काफ़ी पोर्टेबल, आप कहीं भी अपने जेब में रख के कहीं भी जा सकते हैं. और गाइस दूसरा इसका फंक्शन ये है कि आप किसी भी एंड्रॉयड या एप्पल डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप पीछे देख भी रहे हैं. और गाइस तीसरा इसका चीज़ ये है जो मुझे काफ़ी पसंद आई है, वो है इसका मैकेनिकल गिम्बल. तो शॉर्ट्स ले रहे हैं तो गाइस ये बेस्ट फुटेज देगा आपको. सो गाइस इसके थोड़े से डिसएडवांटेजेस ये हैं कि गाइस पहली चीज़ इसके कैमरे का रिजल्ट काफ़ी अच्छा नहीं है गाइस. अगर मैं इसको 11 प्रो मैक्स से यूज़ करके इससे कंपेयर करूँ तो गाइस मैं कहूँगा डेफिनेटली आईफोन 11 प्रो मैक्स का कैमरा इससे बेहतर है. सो गाइस दूसरा, इसमें कोई भी वाइड एंगल नहीं है यार, एक ही तरह की आपको पिक्चर मिलेगी, कोई इसमें वाइड एंगल नहीं है. जो इस चीज़ में मिसिंग है यार वो होना चाहिए और लाजमी होना चाहिए, ख़ासतौर पर जो आपने सिनेमैटिक शॉट्स लेने होते हैं. सो गाइस ये दो चीज़ें मुझे इसकी काफ़ी ख़राब लगी हैं जो मैंने आपको आगे बता दी हैं. और गाइस इसके अलावा जो इसका मुझे एक साइड इफेक्ट लगा है वो ये है कि गाइस जब भी हम इसको किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में यूज़ करते हैं, लाइक आप राइडिंग कर रहे हो, तो इसका मैकेनिकल गिम्बल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि विंड का प्रेशर बर्दाश्त कर सके. सो गाइस ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे और कुछ इसके फ़ायदे भी मैंने आपको बता दिए हैं. सो गाइस ये डिवाइस किन के लिए है? सो गाइस ये डिवाइस उनके लिए है जिनके पास कोई गिम्बल नहीं है और एक आम सादा सा फ़ोन है. आप कह लें आईफोन 6 है या कोई पुराना एंड्रॉयड है S6, X7, सो वो क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे और इसका कैमरा यूज़ करेंगे और उन इसकी वजह से काफ़ी अच्छी फोटेज मिल सकती है. लेकिन गाइस अगर आपके पास S10 प्लस से ऑनवर्ड है या iPhone 10 से ऑनवर्ड है सो मैं कहूँगा आपको ज़रूरत नहीं है इसकी. आप सिर्फ एक गिम्बल लें DJI का और Osmo Mobile 3 लें, वो आपका काम काफ़ी अच्छे तरीके से कर देगा. सो गाइस कंक्लूजन इसका ये है कि गाइस ये अब 2020 में आउटडेटेड हो चुका है. उसकी वजह ये है गाइस चूँकि अब आ गया हुआ है Hero 8. सो गाइस वो काफ़ी बेहतर है मेरे ख्याल से. उसमें जो मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन तो नहीं है लेकिन जो उसकी 2.0 अपनी है वो भी कमाल की है, जैसा कि आपने वीडियोस में देखी होगी. सो गाइस यही था मेरा आज का रिव्यू Osmo Pocket का. अगर आपको पसंद आया है तो थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस में करता हूँ रिव्यूज़ का, क्योंकि यार स्पेक्स बताना तो हर कोई बता रहा है, मैं सिर्फ बताऊँगा व्हाट आई फील. सो या दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो.